नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ गौरव पांडे और लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके डिडक्शन पॉलिसी जो है उसके ऊपर आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं ना, उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो डिडक्शन पॉलिसी पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए टू जेड इसमें मैं आपको पूरा डिडक्शन पॉलिसी समझाऊंगा कि आपके स्ट्रीम चेंज पर जो है कितना डिडक्शन इम्पोज किया जाता है, और ऑनर्स के कोर्सेज में कितना डिडक्शन इम्पोज किया जाता है, कैसे डिडक्शन होता है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपका बीए प्रोग्राम में जो है वो डिडक्शन कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझाया जा सके और एग्जांपल्स के साथ जो है आपको इस वीडियो को मैं समझाऊंगा, इसलिए स्क्रीन की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिडक्शन इन बीए ऑनर्स कोर्सेज की, कि जब आप स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से बीए ऑनर्स के किसी कोर्स को ऑप्ट करते हो तो आप पर जो है कैसा डिडक्शन जो है इम्पोज किया जाता है, और क्या इसका जो भी क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही मैं ये भी बता दूंगा आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू केस वन और केस टू में। सबसे पहले इसका जो एडमिशन जो होता है वो बेस्ट फोर के ऊपर बेस्ड होता है, जिसमें आपको वन लैंग्वेज एंड थ्री इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने होते हैं। देन आउट ऑफ दीज थ्री इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एकेडमिक सब्जेक्ट, वन मस्ट बी कंसर्न सब्जेक्ट इन विच द एडमिशन इज सॉर्ट। मीन्स दैट कि जब आप ऑनर्स का किसी कोर्स को ऑप्ट कर रहे हो तो आपके पास वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बी ए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ तो प्लस टू में मुझे पॉलिटिकल साइंस जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जो है मेरे ऊपर मार्क्स का डिडक्शन नहीं इम्पोज किया जाएगा। अगर स्टूडेंट के पास ये जो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है प्लस टू में, तो उसके ऊपर जो है 2.5% का डिडक्शन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इम्पोज किया जाता है। ये है पूरा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप पढ़ सकते हो, ये ऑनर्स के कोर्सेज का है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आउट ऑफ थ्री इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लेना, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपका भी टाइम फालतू का ख़राब होगा। एग्जाम्पल केस नंबर वन की बात करें, अगर हम डायरेक्ट आकर कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाना चाहूँगा आपको, तो सपोज कीजिए कि आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपने बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है, और आपने जो है सब्जेक्ट पढ़े हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, ये पांच सब्जेक्ट आपने अपने प्लस टू में पढ़े हैं। अब आप बेस्ट फोर आपको डिसाइड करना है। बेस्ट फोर में आपने अपने बेस्ट सब्जेक्ट जो है वो निकाल लिए, और जिसमें से आप केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स जो है इलेक्टिव अकेडमिक सब्जेक्ट चूज कर लिए, और एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश चूज कर लिया। यहाँ पे क्या होगा कि आपका 2.5% जो मार्क्स है डिडक्ट कर लिया जाएगा, जितनी भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज बनेगी, क्योंकि आपने हिस्ट्री जो है वो नहीं पढ़ा हुआ है अपने प्लस टू में। और अगर आप किसी एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल आप फिजिकल एजुकेशन को बेस्ट फोर में ऐड करते हो, तो आपका 2.5% मार्क्स और एक्स्ट्रा आपके डिडक्ट किए जाएंगे। एग्जाम्पल में केस नंबर टू की बात करें, तो सपोज कीजिए कि आप फिर से साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो और आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, और आपके पास कोर्सेज हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड हिस्ट्री भी आपने पढ़ा हुआ है प्लस टू के अंदर। तो इस केस में क्या होगा, जब आप बेस्ट फोर डिसाइड करोगे तो इसमें केमिस्ट्री, हिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश ऐड करोगे, इसमें क्या होगा, आपका जो है डिडक्शन जो है वो नहीं इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि आपने हिस्ट्री जो है वो अपने प्रीवियस क्लास में जो प्लस टू क्लास है उसमें आपने पढ़ा हुआ है। इंक्लूजन ऑफ फिजिकल एजुकेशन लीड टू डिडक्शन ऑफ 2.5% मार्क्स, ये क्राइटेरिया जो है ऑनर्स की कोर्सेज में सेम रहता है कि आप अगर एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करते हो तो आपके 2.5% मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। डिडक्शन ऑन स्ट्रीम चेंज, अब हम बात करते हैं जो ज़्यादातर फेमस है वर्ड स्ट्रीम चेंज के ऊपर डिडक्शन, स्ट्रीम चेंज के ऊपर डिडक्शन। जो भी ये क्राइटेरिया होता है वो बेसिकली बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए होता है, यानी कि मतलब कि जो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम से बीए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं उनके ऊपर डिडक्शन जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस जो है अपने हिसाब से इम्पोज करते हैं। ये जो कॉलेजेस के ऊपर पूरा बेस्ड होता है कि कॉलेज अगर करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है। फिलहाल में तो बहुत कम कॉलेजेस हैं जो ये डिडक्शन पॉलिसी जो है वो लेकर चल रहे हैं। डिडक्शन जो है वो होता है 2, 3, 2.5 या 5% का, और इसमें एक खास बात है कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन या किसी भी एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करते हो तो आपके 2.5% मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाते हैं। ये जो है वो 2019 की आपकी लिस्ट है कॉलेजेस की जो है बीए प्रोग्राम में स्ट्रीम चेंज पर डिडक्शन इम्पोज किए करते थे, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है लिस्ट, तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हो।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिवाजी कॉलेज जो है उसने 2% डिडक्शन किया है, श्री अरबिंदो कॉलेज है उसने 2% किया है, रामजस ने 2.5, शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज ने 3% और वेंकटेश्वर ने 2.5% डिडक्ट किया था लास्ट ईयर। अगर आप साइंस स्ट्रीम से बीए प्रोग्राम में आते हो तो इतना आपका डिडक्शन जो है इम्पोज किया गया था। लेकिन इस साल क्या है कि वेंकटेश्वर ने जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज निकाला है और उसमें ये कहा है कि वो इस साल जो है डिडक्शन पॉलिसी जो है वो नहीं अडॉप्ट करेंगे और मार्क्स जो है स्टूडेंट्स के नहीं डिडक्ट किए जाएंगे। सो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था द इंडियन एक्सप्रेस का, उसके कुछ स्क्रीनशॉट जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू डिडक्ट मार्क्स ऑन चेंजिंग स्ट्रीम। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंजिंग स्ट्रीम पर आपके मार्क्स जो है वो नहीं डिडक्ट किए जाएंगे। और जो हमारी डीन है एडमिशन की, शोभा बगाई, उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है साइंस स्ट्रीम्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी मतलब जो प्रिंसिपल था स्ट्रीम चेंज का, वो इस बेस पे था कि साइंस के स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा स्कोर करते हैं मार्क्स एज कम्पेयर टू आर्ट्स स्टूडेंट, और वो ज़्यादातर सीटें जो है वो ले लेते हैं जो कि बी ए प्रोग्राम की जो होती हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो उन्होंने बोला है कि ये लॉ के अगेंस्ट है तो इस पॉलिसी को इसलिए हमने छोड़ने को बोला है, और काफ़ी ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं वो इस बात से यहाँ पर एग्री हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख, इस साल जो है मुझे आशा है कि जो 4 कॉलेजेस बचते हैं, शहीद भगत सिंह और बिंदो, शिवाजी, रामजस, वो भी इस साल डिडक्शन जो है नहीं इम्पोज करेंगे। वेंकटेश्वर ने तो ऑफिशियली कह भी दिया है। अगर हम इंफॉर्मेशन के सोर्स की बात करें तो वो है हमारा डीयू का ऑफिशियल वेबसाइट और बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ताकि आपको एक बहुत ही मतलब अच्छा नॉलेज जो है वो मिल पाए और आपके मन में इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह पाए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डीयू के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जो है वो टाइम पर मिलती रहे, और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है gaurav.duraha21 एंड डीयू हेल्प के नेम से। फेसबुक पर आप मुझे गौरव द्रोहा के नेम से फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रॉब्लम बड़ा हुआ तो मैं आपको पर्सनली कॉल के थ्रू भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। धन्यवाद, बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।